एशिया कप की मेजबानी पर जारी जंग अब अपने चरम पर पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अब मेजबानी की जंग से पाकिस्तान का पत्ता कट गया है और अब एशिया कप 2023 का आयोजन नए देश में होगा। तो आखिर कहां होगा एशिया कप 2023? जानने के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। एशिया कप 2023 की तैयारियां उसके ऐलान से पहले शुरू हो चुकी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2023 की मेजबानी अब पाकिस्तान की जगह श्रीलंका करते हुए नजर आएगा और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप की मेजबानी मिलने से पहले ही इस टूर्नामेंट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने एशिया कप को लेकर अब एक बड़ा दांव खेला है और पीसीबी के अलावा एशिया कप में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों के बोर्ड्स को इसके लिए मना भी लिया है। इसका सीधा सा मतलब अब ये निकलता है कि पीसीबी हामी दे या नहीं, एशिया कप 2023 श्रीलंका में ही होगा और इसे लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC की तरफ से कुछ दिनों में औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक BCCI एशिया कप के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान न भेजने के फैसले पर अड़ी हुई है। वहीं BCCI के मुताबिक सितंबर की गर्मी में 50 ओवर फॉर्मेट का टूर्नामेंट UAE में खेलना मुश्किल है। बताते चले IPL फाइनल के दौरान BCCI ने SLC और BCB के अधिकारियों को बुलाया था, जिनसे एशिया कप के आयोजन पर BCCI ने खुलकर बात की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक UAE की जगह श्रीलंका में एशिया कप के खेलने पर सभी बोर्ड्स राजी हो गए हैं। आपको बता दें BCCI के सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हाई वोल्टेज मुकाबले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को बम्पर कमाई की उम्मीद है। ऐसे में पीसीबी की नाराजगी दूर करने के लिए उसे श्रीलंका में होने वाले एशिया कप की मेजबानी और आयोजन का अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब है एशिया कप के दौरान टिकट, स्टेडियम स्पॉन्सरशिप और अन्य जरियों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी बांटा जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। श्रीलंका में एशिया कप का आयोजन कोलंबो में किया जा सकता है। श्रीलंका के कोलंबो में 3 क्रिकेट स्टेडियम मौजूद हैं। श्रीलंका की राजधानी होने की वजह से कोलंबो में एशिया कप का आयोजन अच्छी तरह से हो सकता है और वहां खिलाड़ियों के रुकने और प्रैक्टिस करने की भी पर्याप्त जगह है। वैसे आपको बताते चलें कि एशिया कप 2023 का आयोजन श्रीलंका में ही होना था, लेकिन तब के राजनीतिक हालातों को देखते हुए टूर्नामेंट को UAE में शिफ्ट कर दिया गया था। वैसे आपको याद ही होगा कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी मीडिया हाउस से ये रिपोर्ट आई थी कि एशिया कप 2 भागों में खेला जाएगा, जिसमें पहला राउंड की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और इस राउंड में भारत का कोई भी मुकाबला नहीं होगा। इसके बाद दूसरे राउंड के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर होंगे, जिसमें भारत के मुकाबले खेले जाने थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।